Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So students, today in maths we will start our new chapter, chapter number 4, long and short. So students, जैसा कि chapter के name से ही clear है, long and short, कि ये chapter जो है वो length के ऊपर based होगा, length से related होगा. So हमें पता होना चाहिए length क्या होती है ना. सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में लेंथ का अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है. लेंथ की यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो बॉय है, बॉय इज़ लॉन्गर देन, टॉलर देन दिस गर्ल, बट ऑन द अदर हैंड दिस जिराफ इज़ टॉलर देन दिस बॉय, है ना. सो स्टूडेंट्स, अब हम लेंथ के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ लेंथ, लेंथ क्या होता है. तो बच्चों, लेंथ इज ए डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मान लीजिए आपका ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है बी. तो बच्चों, टू पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ. तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, लेंथ कहेंगे. ठीक है, ये क्या है, लेंथ है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ की है वो क्या है, मीटर है, है ना, मीटर. लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए. यस, ये एक रेप्टाइल है. अब रेप्टाइल की हाइट हमें मेजर करनी है. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द रेप्टाइल. तो बच्चों कैसे मेजर करेंगे, ये जो पेपर पिन है इसे मैं एक यूनिट मान लेता हूँ. तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हुई है, 1, 2, 3, 4 and 5. सो द लेंथ ऑफ रेप्टाइल इज 5 यूनिट्स, है ना, आंसर इज 5 यूनिट्स. सो ऐसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं. ये पेपर क्लिप जो हमने लिया था, ये एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों. ठीक है, एंशियंट वे टू मेजर लेंथ, लेंथ को मेजर करने के कुछ अलग अलग वेज होते हैं. पुराने समय में लेंथ को कैसे मेजर किया जाता था, तो एक तो होता है बच्चों स्पैन. अब स्पैन क्या है, यहाँ पे हैंड स्पैन है. ये क्या है, हैंड स्पैन. चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ हैंड स्पैन क्या होता है. ये देखिए बच्चों, ये आपकी जो लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर से लेकर ये जो आपके थंब तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे हैंड स्पैन. ओके, और वन इज़ क्यूबिट. क्यूबिट क्या होता है, आपके हैंड की जो ये फिंगर है और एल्बो तक की जो लेंथ होगी, उसे क्या कहेंगे हम, 1 क्यूबिट. ओके, ऐसे ही कुछ और यूनिट्स हैं, जैसे आर्म स्पैन होता है. ठीक है, यहाँ पे जो बोर्ड, इस आपके जो आर्म की लेंथ है वो क्या होगी, आर्म स्पैन. ऐसे ही फुट स्पैन होता है, आपके जो फुट की हेल्प लेंथ होती है, जो उसे हम मेज़र कर सकते हैं उसकी हेल्प से लेंथ को, तो वो क्या हो जाएगा, फुट स्पैन. और ये लास्ट में है स्ट्राइड, और इसे पेस भी बोलते हैं, PACE, पेस. जो आपको कदमों चलकर अगर आप लेंथ को मेज़र करते हो, आपको फील्ड की लेंथ मेज़र करनी है, तो आप स्ट्राइड्स की हेल्प से लेंथ मेज़र कर सकते हो. तो बच्चों, ऑल दीज यूनिट्स आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. ये जो यूनिट्स हैं वो कैसी यूनिट है, नॉन स्टैंडर्ड है. वाई, बिकॉज इनकी जो वैल्यू होती है, अगर हम मान लीजिए हम हैंड स्पैन से किसी टेबल की लेंथ मेज़र करते हैं, अगर आपका हैंड बड़ा होगा, ठीक है, तो वैल्यू आएगी कुछ. और उसी दौरान अगर कोई छोटा बच्चा, जिसके हाथ छोटे होंगे, वो पर्सन कोई मेज़र करेगा टेबल को, तो वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ. मान लीजिए ये आपकी टेबल है, और मुझे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लेंथ जो है वो मेज़र करनी है. तो मैं अपने हैंड से मान लीजिए कर रहा हूँ, तो ये 1 हैंड स्पैन 2 3 4 एंड 5. लेंथ ऑफ टेबल इज इक्वल टू 5 हैंड स्पैन. लेंथ ऑफ टेबल कितनी आई है, 5 हैंड स्पैन के इक्वल आई है. ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आप ही की क्लास का कोई छोटा बच्चा जो है, वो अपने हैंड स्पैन से, अब ये देखिए उसका हैंड स्पैन छोटा होगा क्योंकि बच्चा है, है ना, पर्सन टू पर्सन हैंड स्पैन का साइज़ भी तो अलग होगा. तो हैंड का साइज़ डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, तो हैंड स्पैन भी डिफरेंट होगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 हैंड स्पैन 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो द लेंथ ऑफ टेबल इज़ 8 हैंड स्पैन. अब स्टूडेंट्स, इसी टेबल की लेंथ को जब मैंने पहले मेज़र किया था, वो आया था 5 हैंड स्पैन. अब मैं मेज़र कर रहा हूँ तो कितना आया है, 8 हैंड स्पैन, है ना. अब किसी और बच्चे ने, छोटे हैंड था जिसका, उसने मेज़र किया तो आया है 8 हैंड स्पैन. तो वैल्यू चेंज हो रही है ना.
ऐसे ही अगर आपकी क्लास के अलग अलग बच्चे, अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं वो मेज़र करेंगे, तो हो सकता है किसी की वैल्यू 8 हैंड स्पैन आए, किसी की वैल्यू 6 हैंड स्पैन्स आए, किसी की वैल्यू 9 हैंड स्पैन्स भी आ सकती है. मेजरिंग विल गिव डिफरेंट रिजल्ट्स एज द लेंथ ऑफ हैंड स्पैन ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट, है ना. हैंड साइज ऑफ डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट, दैट्स वाई हैंड स्पैन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो इसीलिए वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग आ रही हैं. ठीक है, एक आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अलग अलग पर्सन्स के हैंड का साइज अलग अलग होता है, इसीलिए हैंड स्पैन की वैल्यू अलग अलग आ रही है मेजरमेंट की वैल्यू. सो दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट, ये वेरी गुड मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं माना जा सकता इसे, क्योंकि इसकी में वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. मान लीजिए आपने एक प्लेस से क्लोथ मेज़र किया है, कपड़ा मेज़र किया है, और उसे हैंड स्पैन से मेज़र करके आपने भेज दिया 10 हैंड स्पैन, बट दूसरे प्लेस पे जाके वहाँ पे जो पर्सन है हैंड स्पैन से मेज़र करेगा तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, हो सकता है उसकी वैल्यू 8 हैंड स्पैन आए, है ना. तो वो तो कहेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो. तो बच्चों हैंड इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में यही प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पीपल क्रिएचर हैव डिफरेंट साइज ऑफ बॉडी पार्ट, सबका बॉडी पार्ट का जो साइज होता है, हैंड साइज, फुट साइज, सबके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. सो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी. तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में यही प्रॉब्लम है, यही उसका एक ड्रॉबैक है कि वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बच्चों. ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या फॉलो किया है, मीटर को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया है. ठीक है, मान लीजिए ये वन मीटर है, तो इसकी वैल्यू हर प्लेस पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो इसे एक स्टैंडर्ड मान लिया है, फिक्स वैल्यू इसे मान लिया गया है. तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट काफ़ी सारी बता चुका हूँ मैं आपको, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट. ठीक है, और स्टैंडर्ड यूनिट में यहाँ पे मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आएगा आपको आगे बताया जाएगा. ठीक है, मेजरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो एक रूलर जो होता है, आपका जो स्केल होता है वो भी एक मेजरिंग टूल है. मेजरिंग टेप होती है ना, और ये भी एक मेजरिंग टेप है, इसे टेलर वगैरह यूज़ करते हुए देखे होंगे आपने, कारपेंटर के पास जनरली ये आपने देखा ही होगा. नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इन लेंथ. तो बच्चों इनमें से किस किस ऑब्जेक्ट की आप लेंथ मेजर कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इरेजर की लेंथ मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना रूलर रखेंगे, ठीक है, और उसकी लेंथ हम मेजर कर लेंगे यहाँ से. ठीक है, अच्छा, तो इरेजर की कर सकते हैं, पेंसिल की भी कर सकते हैं, और बनाना की भी कर सकते हैं. ठीक है, वाटर की नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर की लेंथ नहीं होती बच्चों. वाटर की हम यहाँ पे क्या मेज़र कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी मेज़र कर सकते हैं, लीटर, मिलीलीटर में, है ना. और एप्पल की लेंथ तो नहीं होगी, हाँ उसका आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, अगर उसके चारों तरफ आप मेजरिंग टेप की हेल्प से उसे मेज़र कर सकते हो. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट सोल्ड बाय मेजरिंग लेंथ. बच्चों आप मार्केट में जाते हो, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लेंथ मेज़र करके जैसे मीटर्स में आपको मिलते हैं. कौन कौन से हैं वो, वायर. आप वायर लेने जाइए तो आपको उसे पूछेगा आपको कितने मीटर वायर चाहिए, है ना, तो वो मीटर में लेंथ मेज़र करके देगा आपको. ऐसे ही रोप, रस्सी या रिबन और क्लोथ, जो कपड़ा होता है वो भी आपको लेंथ मेज़र करके ही आपको दिया जाता है. ठीक है, लेंथ मेज़र की जाएगी और फिर आपको दे दिया जाएगा. तो बच्चों आज हमने सीखा, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में पढ़ा हमने, क्यूबिट, हैंड स्पैन वगैरह के बारे में. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताएंगे. बाय बाय बच्चों.